नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गोस्वामी आज आपको सिखाऊंगा सुसाइड की कप क्या होता है या सुसाइड फ्लिपअप क्या होता है, ये दिखते कैसे दिखता है, उसके बाद सीखेंगे उसे करना कैसे। यह सुसाइड की कप, तो आइए सीखते हैं। तो सुसाइड की कप करने के लिए पहले चाहिए हमें आर्च बनाना है, और आर्च में एक तरह की एक्सरसाइज करनी है जिसे आर्च डिप्स कहते हैं। तो यह आर्च, और ये आर्च में है डिप्स, 1, 2, 3 and 4 राइट। जब आप आर्च बनाकर डिप्स ले, तो डिप्स लेते वक्त सेल अंदर होगा और फिर वापस ऊपर होगा, फिर सेल अंदर होगा। जब हम डिप्स ले रहे होंगे, इसे अंदर करते रहना, बार बार करते रहना, जिससे आपका सिर ना टकराए और आपका पीठ है ये आपके जो शोल्डर स्कैपुला होते हैं, तो स्कैपुला जमीन से टकराएंगे और वापस उठ के आना है। जब हम जंप लेते हैं तब भी यही पोजीशन होती है, बैक फ्लिप वाली पोजीशन से हमको जंप लेना होता है। तो आप एक बहुत अच्छा सा मोटा सा गद्दा रख लें, गार्डन में ट्राई ना करें, क्योंकि अगर बैक में लगा तो मेमोरी लॉस हो जाएगी सर। तो आप एक गद्दा रखें और गद्दे पर ट्राई करें। तो गद्दा कैसे लेना है मैं बता देता हूँ आपको, हमारे पास एक गद्दा अवेलेबल है इस तरह का। तो जिस तरह से गद्दा हो, ये तो बहुत पतला गद्दा है क्योंकि मुझे आता है पहले से, इसलिए मैंने पतला और छोटा गद्दा लिया। आप बड़ा गद्दा लें जो कि अच्छा हो, ठीक, और फिर उस पर आप ट्राई करें। बैठ जाएं ऐसे, बैठ कर और वन ऐसे ट्राई करें। पहले पीठ पे आएंगे, फिर कोशिश करेंगे गर्दन पे आएंगे। 1, 2 एंड जंप। तो पहले सुसाइड करना सीखे, सुसाइड जंप। तो गर्दन पे अगर आप आर पा रहे हैं या गर्दन सिर पे चोट नहीं लग रहा है, गद्दे पे भी आप ट्राई करके सिर टच ना हो, वैसे तो गद्दा इतना स्मूथ है, इतना स्पंजी है कि वो ऑटोमेटिकली गर्दन को लेके जा रहा है, बट फिर भी देखते हैं, हाथ टिकाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और बार बार करेंगे तो आएगा। कोशिश करने वाले सिख को तो भगवान ने भेजा होता है, तो छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे स्टैंड से आइए देखते हैं कैसे करना है। जंप करना है, खड़े होकर इसलिए नहीं करना है क्योंकि लग जाएगी, इसलिए बैठते हैं और फिर करते हैं। और पैर ढीले ना रखें क्योंकि मुंह पे लग सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लिप अप करने के लिए क्या करना है, अप करने के लिए सेकंड पोजीशन, पैरों को 45 डिग्री एंगल पे मारना है और अंदर खींचना है, 45 डिग्री एंगल पे मारना है और फिर अंदर खींचना है। इतनी जोर से मारे और मारते से कमर उठ जाएगी, आर्च बन जाएगा, आर्च बन जाएगा। जब आर्च बन जाएगा तो हाथ से भी फोर्स लेना है, जब हाथ और कंधे का शोल्डर दोनों मिक्स करेंगे, पैर का फोर्स और हाथ का और शोल्डर का फोर्स, तो ऑटोमेटिकली बॉडी खड़ी हो जाएगी। ये देखते हैं कैसे खड़ी होगी। तो ये था फ्लिप अप। अब सुसाइड जंप और फ्लिप अप दोनों मिक्स करते हैं। बैठ जाएंगे क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, ऐसे समझें, बैठें और धीरे से जंप लें, पैरों पे कंट्रोल, कोर पे कंट्रोल, और बार बार करें। ये था सुसाइड किक अप, और फाइनली इसको धीरे धीरे हटाते हुए आप कुछ पतले मैट पर ट्राई करें, जब आपका होने लगे तो घास में ट्राई करें, पतले गद्दे पर ट्राई करें, और गद्दा धीरे धीरे हटा दें, और फिर आप सुसाइड की कप जो है आप जो फिसले ना, क्योंकि फिसल गया तो फिर आप गए और फिर लग जाएगी। बैटर से जाए ऐसी जगह ट्राई करें जहाँ पर आपको चोट ना लगे, यहाँ तो कॉन्क्रीट है, मुझे आता है इसलिए मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, राइट। फाइनली जब आप सीख जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, यह सुसाइड की कप। अगर आपको पसंद आया है तो ऐसे लोगों को शेयर करें जो जुनून रखते हैं और उनको कोई ट्रेनर नहीं है सिखाने वाला, तो ज़रूर शेयर करें उन लोगों को, ताकि उन लोगों की एनर्जी बर्बाद ना हो और उन लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।